हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दो टाइप की चीजें बनाएंगे, एक बैंगन से बनाएंगे, दूसरे पत्ता गोभी से बनाएंगे। ये आप स्नैक्स के हिसाब से भी खा सकते हो, वरना दाल चावल के साथ साइड डिशेस के हिसाब से रख सकते हो। ये इंस्टेंट बन जाता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए ज्यादा कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें मेन रहता है ये चावल का पेस्ट, ये चावल का पेस्ट मेन चीज है इसमें। तो चलिए आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर एक कटोरी चॉप किए हुए पत्ता गोभी ली हूँ, एक छोटी सी प्याज को उसको भी चॉप कर ली हूँ। इसी दोनों से हम एक बनाएंगे और बैंगन का दूसरा बनाएंगे। तो इस सब के लिए हमें चाहिए नमक, चाहिए हल्दी पाउडर, चाहिए लाल मिर्च का पाउडर, चाहिए सरसों का तेल, चाहिए रिफाइंड तेल, चाहिए दोनों तेल को हम मिक्स करके बनाएंगे। यहाँ पर मैंने चावल का पेस्ट बनाई है, यहाँ चावल चाहिए, डोसा वाले जो चावल है उसको भिगा के मैंने उसको पीस दी हूँ लहसुन प्याज और जीरा के साथ। जीरा यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ली हूँ, 6-7 लहसुन की कली ली हूँ, एक छोटे प्याज को काट के ली हूँ, उसको फाइन पेस्ट बना दी हूँ। यहाँ पर बेसन ली हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ये सारी सामग्री ले सकते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैंगन के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ, जितना बेसन उतनी ही चावल का पेस्ट। चावल का पेस्ट यहाँ पर बैंगन को फ्राई करने के जब हम ना उसको क्रिस्पी बनाने में हमारी हेल्प करेगी। 2 बड़े चम्मच ले लिए मैंने चावल का पेस्ट, उतना ही बेसन भी ली हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से यूज करें। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और कोई इसको ऐसे ही मिला ले। हमें इसको ज्यादा पतला नहीं करना है कि ज्यादा मोटा भी नहीं करना है। इसमें हम थोड़ा सा और बेसन और थोड़ा सा और चावल का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा पतला हो गया ना इसीलिए। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देख सकते हो आप इसका टेक्सचर कैसा है, ना ही ज्यादा पतला है ना ही ज्यादा गाढ़ा है। यह हमारा बैंगन के लिए तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी प्रोसेस में चलेंगे। यहाँ एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे कटे हुए पत्ता गोभी और कटे हुए प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से करें, 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मल के एकदम सॉफ्ट बना लेंगे। इसमें हम बेसन का यूज नहीं करेंगे, केवल चावल का पेस्ट की ही यूज करेंगे। ये देखो ये मैं अच्छे से मिला दी। अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे। तो
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड का तेल। चलिए पहले तेल गर्म हो जाए, उसके बाद हम मैदा को फ्राई करेंगे। आप ये देख सकते हो मैं यहाँ पर एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर रही हूँ बैंगन को, ज्यादा मोटा ना करे वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको इस पेस्ट में डीप करेंगे। ये देख सकते हो कैसे कोटिंग हुई है, ज्यादा ना ही मोटा है ना ही ज्यादा पतला है। तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया, गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे, उसके बाद एक एक डीप करके तेल में छोड़ देंगे। इसको बैंगन का पकोड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन ये डीप फ्राई नहीं होगा, ये हमारा सेलो फ्राई होगा और ये हेल्दी भी हो गया विदाउट डीप फ्राई। आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं ना, डीप फ्राई चीजें को अवॉइड कर रहे हैं। अब हम गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे। दो मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। दोनों तरफ से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, सीम नहीं करेंगे वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको इंस्टेंट बना के ही खाए, गरम गरम ही खाए तो ही अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद ये इसकी क्रिस्पीनेस नहीं रहती है। ये देखिए सारा बैंगन मैं फ्राई कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं टोटल मेरा 12 पीस बैंगन फ्राई करी हूँ। मैं यहाँ पर 3 चम्मच चावल की पेस्ट और 3 चम्मच बेसन ली थी, उससे मेरा 12 पीस आराम से बन गया। चलिए हम अब अगले प्रोसेस में चलेंगे। अब पत्ता गोभी को जो मैं मिक्स करके रखी थी, अब हम उसमें चावल का पेस्ट डालेंगे। पहले मैं 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, अब हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। हमें बस पत्ता गोभी को बाइंड करना है, ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और 1 चम्मच डालूंगी। बस ये हो जाएगा। 1 कटोरी में पत्ता गोभी ली थी, 1 छोटे प्याज को काट के ली थी, उसके साथ में 4 चम्मच चावल का पेस्ट लगाया। अब हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। पैन में हमारा पहले से 1 चम्मच तेल है, अब हम उसी तरह से तेल डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल, 2 चम्मच डालेंगे रिफाइंड का तेल। इसमें एक टेस्ट अलग आता है। बस इसको भी हम सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे।
हमारा गर्म हो चुका है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसको चीले की तरह फैला देंगे, जैसे चीला बनाते हैं ना वैसे छोटे छोटे करके। इसको भी हम हर साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बस ज्यादा ना डले वरना उसको पलटने के लिए दिक्कत हो जाएगी, टूट जाएगा वो। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ा पकेगा ना। ये हमारा बन चुका है, ये देखिए ये भी हमारा बन चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा दो टेस्टी चीज बन के रेडी हो चुकी है, ये देख रही होंगे कितनी क्रिस्पी बनी है दोनों। ये देखिए आप इसको ऐसे ही केचप के साथ खा सकते हैं, वरना दाल चावल के साथ भी सर्व कर देते हैं, दोनों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर चावल का पेस्ट रहेगा तो आप इसको इंस्टेंट बना सकते हो, और चावल का पेस्ट को आप एयरटाइट कंटेनर में 8 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट करें कि मैं और अच्छा कैसे करूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर की जो चीजें है उसी से नई नई चीज बनाने के लिए और उसी से ही टेस्टी चीज बनाने के लिए। आप इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही लौटूंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।